थाना शहजादनगर क्षेत्र में शनिवार शाम पुलिस से हुई मुठभेड़ में गो तस्कर गोली लगने से घायल हो गया। गोली उसके पैर में लगी। घायल गो तस्कर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गो तस्कर के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किया है। वे चंदौली जिले में भी गोवंशीय पशु के वध के मामले में वांछित था। शनिवार शाम को शहजादनगर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग गोवंशीय पशु का वध कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी अमर सिंह राठौर अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मगरमऊ गांव के पास पहुंच गए। इस दौरान पुलिस टीम को आता देख गो तस्कर ने पुलिस पर तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में की, जिसमें एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी। गोली लगने के बाद गो तस्कर जमीन पर गिर गया। उसके बाद पुलिस ने घायल गो तस्कर शहबाज, जो घेर नज्जू खां का थानागंज का निवासी है, उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा। बहरहाल पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया, गोवंशी पशु के वध की सूचना मिली थी। इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। पुलिस को देखते ही गौ तस्कर ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। यह चंदौली जिले में भी गोवंशी पशु के वध के मामले में वांछित चल रहा था। ये शहबाज है, थानागंज रामपुर का रहने वाला गैंगस्टर है और इसके खिलाफ कई गोकशी गो तस्करी के मुकदमे हैं। वर्तमान में ये थाना सैयद राजा जनपद चंदौली से गो तस्करी के मामले में फरार चल रहा था, वांटेड था। आज इसके मूवमेंट की सूचना मिली थी शहजादनगर पुलिस को, जहां पर ये पुलिस को देख करके फायर किया और भागा। पुलिस द्वारा अपरक्षात की गई फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है और इसको जिला अस्पताल लाया गया इलाज के लिए। वर्तमान में ठीक है। इसके पास से एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।